नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल आया है और वो लिखते हैं कि सर, मैंने एक 40 साल पुरानी प्रॉपर्टी देखी है अपने लिए, तो क्या ये प्रॉपर्टी मुझे ख़रीदने के 100 साल बाद खाली करनी पड़ेगी? ओके, तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं, एक तो फ्री होल्ड होती है और एक होती है लीज होल्ड। आई एम श्योर आप जैसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी है, और उसकी शायद जो लिमिट होगी वो लीज़ होगी, मतलब वो 99 सालों के लिए होगी। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लास्ट में खाली ही करना पड़े मकान। उसमें दो ऑप्शन और ऐड हो सकते हैं, या तो उसकी लीज़ बढ़ाई जा सकती है और या तो फिर उसे जो है फ्री होल्ड भी किया जा सकता है। लेकिन ये राइट जो होता है 99 सालों के बाद जो ओनर होगा, जिसके पास उसका मालिकाना हक होगा, वही डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी को खाली करवाना है या फिर उसकी लीज़ को एक्सटेंड करना है या फिर प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करना है, और उसके लिए आपसे कितना चार्ज वसूल करना है, ये सारी चीज़ें वही डिसाइड करेगा कि लीज़ ख़त्म होने के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। और भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।